हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सभी लोगों का स्वागत है एक नए वीडियो पर। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी जो प्रिपरेशन है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो आपके ऑनलाइन फॉर्म है 1 सितंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, जो कि 30 सितंबर तक चलेंगे। पूरा एक मंथ आपको मिलेगा फॉर्म डालने के लिए, जिसके बाद आपके एग्ज़ाम 14 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे। 5 दिसंबर तक आपके एग्ज़ाम चलेंगे। तो आज है 26 अगस्त, आज से देखा जाए तो आपके पास लगभग अभी 80 दिनों का समय शेष है एग्ज़ाम के लिए। तो आप बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन करते रहें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कुछ कुछ जो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके पास होना चाहिए, तभी आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो जाएगा और आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज़ आपने अभी देखा होगा रिसेंटली, अभी कल परसों SSC GD का रिजल्ट आया है, जिसमें से बहुत से लड़कों ने अच्छा स्कोर किया था, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत थी जिसके कारण उनको बाहर कर दिया गया। तो सेम टू सेम अगर आपके दिक्कत हो कोई डॉक्यूमेंट्स में तो वो अभी आप सही करा लें। ऐसा नहीं हो कि आपने शुरुआत में बहुत अच्छा एग्ज़ाम निकाला, फिजिकल किया, सब कुछ क्लियर करने के बाद लास्ट में आपको एक छोटी सी मिस्टेक हो गई, डॉक्यूमेंट्स में आपको बाहर कर दिया जाए। इसलिए मैं आपको इस वीडियो में डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपके पास कौन कौन से ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए दिल्ली पुलिस से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो एक डॉक्यूमेंट है जिस पे बहुत सारे कन्फ्यूजन रहती है लोगों को, वो है LMB लाइसेंस। कि LMB लाइसेंस कब का चाहिए, कितना पुराना चाहिए, क्या ये लड़कियों के लिए भी चाहिए, और भी बहुत सारे जो आपके डाउट्स रहते हैं मैं सारा कुछ आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि लड़कियों के लिए लाइसेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। LMB लाइसेंस चाहिए जो कि कार एवं बाइक का होता है, वो भी सिर्फ लड़कों के लिए चाहिए। और आपके पास कितना भी पुराना लाइसेंस हो, ऐसा कुछ नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं रहता है। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे आप साइड में देख सकते हैं जो क्वालिफिकेशन रहती है ड्राइविंग लाइसेंस की, सिर्फ आपके पास जो फिजिकल आपका जिस दिन होगा वहाँ पर आपके पास LMB लाइसेंस होना चाहिए। अभी आपके पास नहीं है तो आप बनवा लें, और आपके पास ऑनलाइन फॉर्म फिलअप के समय भी नहीं हो तो भी आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा बहुत आसानी से, लेकिन आपको फिजिकल के दिन वहाँ पे LMB लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। तो आप अभी से अपना लाइसेंस बनने के लिए डाल लीजिए। ये तो हुआ ऑनलाइन, जो भी फॉर्म भरते समय आपको 10th 12th की मार्कशीट और आपका जो आधार कार्ड रहता है, तो आप ये देखना कि आपकी जो 10th 12th की मार्कशीट है उसमें जो आपका नेम है, पिताजी का नेम है और डेट ऑफ बर्थ आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए 10th 12th में और आधार कार्ड में। अदरवाइज़ आपको आगे दिक्कत आएगी। तो जिन भी भाइयों को ये प्रॉब्लम हो वो अभी सही करवा लें। और तीसरा, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आपके कास्ट सर्टिफिकेट हैं, क्योंकि आपको पता है दिल्ली पुलिस सेंट्रल जॉब है, तो इसमें आपको जो भी सर्टिफिकेट लगेंगे वो सेंट्रल के होना चाहिए। अगर आपके जो स्टेट के हैं वो स्टेट के अलग रहते हैं, आपको सेंट्रल का चाहिए, जैसे OBC हो, EWS हो, SC ST, तो आपको अपने कास्ट सर्टिफिकेट सेंट्रल के अभी से बनवा लीजिए। ये आपको जो 3 डॉक्यूमेंट हैं मैंने आपको बताए हैं, और यही 3-4 डॉक्यूमेंट मेन आपके फिजिकल होगा, वहाँ आपसे सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट ही मांगे जाएंगे। अभी मेरा कुछ महीनों पहले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ड्राइवर का भी था, तो मैं वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आया हूँ। तो वहाँ पे उन लोगों ने सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट हम लोगों से मांगे थे और उसकी फ़ोटो कॉपी मांगी थी। तो आप लोग ये 3-4 डॉक्यूमेंट मैंने जो बताए हैं वो आप अभी से अपने कंप्लीट कर लें और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते रहें। पिछले एक महीने से मैंने कोई भी वीडियो अपलोड नहीं की थी, तो उसके लिए सॉरी। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेंगी टाइम टाइम पे, कि आपको दिल्ली पुलिस की तैयारी किस तरीके से करनी है, कौन सी बुक आपको पढ़नी है, कितना आपको किस सब्जेक्ट पर फोकस करना है। और आपके लिए मैं बेस्ट चैनल बताऊंगा कि आपको यूट्यूब से पढ़ाई कर सकते हो या पेड बैच लेना पड़ेगा। जो भी हो, सारा कुछ दिल्ली पुलिस से रिलेटेड A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपनी जो प्रिपरेशन है स्टार्ट कर रही हो अभी भी आपके पास। अगर जिन भाइयों ने स्टार्ट नहीं की हो तो आपके पास 80 दिन का समय है, आप अच्छे से अपनी अभी से भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। 8 से 10 घंटे आपको डेली पढ़ना होगा। तो सभी लोग बढ़िया तैयारी कर दें अपनी स्टार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय श्री राम।